हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज से हम डिस्कस करेंगे बैंक पीओ, जैसे आईबीपीएस पीओ हो या एसबीआई पीओ हो या आरआरबी हो, डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वांट के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है स्पीड को लेकर, क्योंकि हमारे पास ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 30-40 सेकंड में हमें एक क्वेश्चन करना होता है। तो हम यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी किस तरीके से मेंटेन करते हुए चलें और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रहे और कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट्स क्रिएट करें, फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स ना पढ़कर कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट्स पे ज़्यादा जोर दें। क्वेश्चन नंबर वन में अगर हम आए तो आपके कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से क्लियर होने चाहिए। एक तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, देख के ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए। इतने अच्छे से आपको पार्टनरशिप की प्रैक्टिस करनी है। और पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने अपने क्लासरूम में भी डिस्कस करा है, कि पार्टनरशिप में रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मतलब 2-3-4 बिजनेस पार्टनर्स हैं, साल के आखिरी में, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है एक साल के बाद, आखिरी में जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट पार्टनर्स में किस रेशो में डिवाइड होगा। तो अब हमें ये ध्यान देना है, क्योंकि जैसे यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट जो भी पार्टनर्स होते हैं किस रेशो में डिवाइड होता है। देखिए, जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये जो ज़्यादा टाइम के लिए पैसा लगाए, मतलब ए अगर मान लिया 10 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करे, बी 5 महीने के बाद ही पैसा निकाल ले, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ए का इन्वेस्टमेंट 10 महीने के लिए रहा, बी का इन्वेस्टमेंट 5 महीने के लिए रहा, तो बी को कम मिलना चाहिए ए के लिए, ए को ज़्यादा। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ए का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा मिलना चाहिए, कॉमन सेंस तो ये कहता है। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है और क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। प्रॉफिट कर जो रेशो होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट और टाइम। जैसे अगर यहाँ पर देखें, ए ने बिजनेस स्टार्ट करा, देखिए स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट 600 एंड बी ने भी स्टार्ट करा है 900। तो करने का तरीका क्या होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी और सी। ए का इन्वेस्टमेंट हम लिखें 600। देखिए हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट और टाइम मल्टीप्लाई करके चलना है। ये 600 कितने टाइम के लिए है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 600 कितने टाइम के लिए, टाइम की नीचे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। और रेशियो निकालना है बी का इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए, 900 कितने टाइम के लिए उसकी नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। बोला क्या, आफ्टर 5 मंथ। देखिए स्टार्ट दोनों ने करा और 5 महीने के बाद बी ने छोड़ दिया, बी लेफ्ट। तो ये जो 900 था बी का, 5 महीने के लिए था, तो इंटू 5 करूंगा। ये 900 5 मंथ के लिए था तो इंटू 5 करूंगा। और सी जॉइंट, तो 5 महीने के बाद सी ने ज्वाइन कराया विद 600। सी का 600 कितने टाइम के लिए था वो मल्टीप्लाई करूंगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसका आपको ध्यान रखना है। सी जॉइंट विद अ कैपिटल ऑफ 600 लेस देन बी, तो बी ने तो 600 लेस देन बी बोला है तो 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 600 लेस बोला है, 600 नहीं बोला है, तो यहां से 600 लेस करा तो 300। अब कितने टाइम के लिए, देखो हमें बोला हुआ है इफ एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिरी में बोला हुआ है। तो आप अगर ये मान के चलो, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जनवरी से बिजनेस चलाए दिसंबर तक, एक साल तक, एक एग्जांपल लेने, तो मई के एंड में बी छोड़ के चला गया, मतलब बी रहा मई तक, उसके बाद बी था ही नहीं। और सी कब से आया, 1 जून से, मतलब 5 महीने के बाद से सी आया है। तो सी का जो 300 रुपये है वो 7 महीने के लिए है, क्योंकि शुरू के 5 महीने तो सी था नहीं ना, तो 7 महीने के लिए सी का इन्वेस्टमेंट है। ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ये सब मैंने बनाया है ताकि मेरी बात आप तक पहुंचे, ठीक है। और जबकि ए का जो इन्वेस्टमेंट है जनवरी से दिसंबर तक पूरा रहा है 12 महीने, ये मंथ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर बोला है, कभी कभी 2 ईयर्स भी बोलते हैं, तो आपको 24 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो ये ए का 600 12 महीने के लिए, बी 5 महीने के बाद ही छोड़ के चला गया इंटू 5, और सी का 300 7 महीने, क्योंकि सी ने 600 कम इन्वेस्ट करे। और इनका जो रेशियो निकालेंगे उसी रेशियो में एबीसी में प्रॉफिट डिवाइड होगा। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो टाइम होता है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, साल के आखिरी में प्रॉफिट किस हिसाब से डिवाइड होगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई करके जो रेशियो मिलता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ है तो आप सीधे ये करेंगे, आपका टाइम सेव होगा। और हमें बोला एट द एंड ऑफ सी का प्रॉफिट बोला हुआ 35, सी को इतना मिला है और टोटल पूछा हुआ है। तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि सी को इतना मिला है और टोटल पूछा है। अब देखिए हमें रेशो किस तरीके से निकालना है, जो भी कैंसिल करना है
तीनों में कैंसिल करना है, ऐसा नहीं कि ए और बी में कैंसिल करा तीसरे को माफ कर दिया, जो भी कैंसिल करना है तीनों में कैंसिल करना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए 2 0 2 0 2 0 तीनों में कैंसिल, और भी 3s भी कैंसिल हो रहा है ना, 3 3 और ये 2। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है या बाद में भी कैंसिल कर सकते हैं, पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 24:2, ये हो गया 15:7। इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, मतलब ए को अगर 24 मिलेगा तो बी को 15 तो सी को 7, तो हम बोल सकते हैं ए को 24x, बी को 15x और सी को 7x मिलेगा। हम x की मल्टीप्लाई करके मान सकते हैं कि इतना इतना इनको मिलने वाला है, और टोटल कितना हो जाएगा प्रॉफिट, इनको ऐड करें 39 7 46x, ये टोटल प्रॉफिट होगा। इन तीनों को ऐड करेंगे ना, ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, और टोटल तीनों को ऐड करके इतना आया, और हमें दिया है सी का प्रॉफिट। तो 7x की वैल्यू गिवन है 3500, तो एक्स कितना हो जाएगा 500। 500 की वैल्यू यहाँ, क्योंकि हमें तो टोटल प्रॉफिट निकालना है, 46 × 500। अब देखिए 500 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसे बोल सकते हैं 500 को 1000 अपॉन 2, ऐसा सोचना है, पेन नहीं चलाना, सोचना है। तो 1000 अपॉन 2 मतलब 46000 का आधा करना है, क्योंकि 1000 अपॉन 2 आ जाएगा 46000 का आधा, तो 23000। तो बहुत कम पेन चला के, अब 23000 भी लिखने की जरूरत नहीं होती। देखिए हमारा पेन कितना चलेगा, हम डायरेक्टली ये लिखेंगे, ठीक है, और ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, 30 सेकंड के अंदर इजीली हो सकता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ये अच्छे से क्लियर हैं कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये तरीका होता है एग्जाम में, और ये आप तभी कर पाएंगे जब पार्टनरशिप के ऐसे आप 20 30 40 क्वेश्चन घर में ऑलरेडी कर चुके हों, एग्जाम में आप तभी जल्दी कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके अलावा हमारा कंप्लीट जो कोर्स है वो हमारे इक्वेशंस आईएएस ऐप में अवेलेबल है, ठीक है। तो इक्वेशंस आईएएस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बैंक पीओ का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, एसएससी का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बैंक पीओ प्लस एसएससी का कंबाइंड कोर्स भी है, ओनली क्वांट के सेशंस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने सब कुछ एडवांस मैथ्स भी, जैसे एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हर चीज डिस्कस करी है डिटेल में। उसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, यूपीएससी के लिए अलग है, एसएससी के लिए अलग है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल वीडियोज वगैरह अपलोड करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, 40 men can complete a piece of work in 48 days। अब देखिए टाइम एंड वर्क में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लासरूम में कि मैन डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैन डेज हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कंप्लीट वर्क का मैन डेज कितना है, 48 × 40, पूरे कंप्लीट वर्क का मैंडेज, टोटल वर्क, टोटल मैंडेज कितना है, 40 × 48, ये टोटल वर्क का मैंडेज है, ठीक है। कॉन्सेप्ट होता है मैंडेज में, हमेशा मैंडेज एक पर्टिकुलर वर्क के लिए हमेशा इक्वल रहता है, तो टोटल वर्क का मैंडेज हो गया 40 × 48। फिर बोला है 64 men started working after x days। अब हुआ क्या, उसी टोटल वर्क को 64 men ने करना स्टार्ट करा, तो ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ men है और ये है नंबर ऑफ डेज। उसी 64 men ने x डेज तक काम किया, टोटल वर्क दो पार्ट में हुआ, ये है फर्स्ट पार्ट और ये लिखता हूं फिर मैं सेकंड पार्ट, प्लस फिर 34 मोर men। देखिए 64 men ने x डेज तक काम किया, फिर उसके बाद 32 मोर men मतलब 96, ये हो गया नंबर ऑफ men, ये नंबर ऑफ men, 96 men ने काम कंप्लीट करा 16 × 3 मतलब 50/3 डेज में, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हुआ क्या, पहले तो दिया हुआ था 40 men can complete a work in 48 days, तो इस पूरे कंप्लीट वर्क का मैंडेज है 40 × 48। फिर बोला कि इफ, एक कंडीशन बोली है कि उसी टोटल वर्क को दो पार्ट में किया जाए, पहले 64 men x डेज तक काम करें, फिर उसके बाद ये नंबर ऑफ men है, 64 में 32 men और आ गए, 96 हो गए, तो वो 50/3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 50/3 डेज में, ठीक है। और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x, तो देखिए ये भी टोटल वर्क का मैंडेज है,
पहले पार्ट का मैन डेज, दूसरे पार्ट का मैन डेज, इन दोनों के मैन डेज को ऐड करें तो टोटल वर्क के मैन डेज के इक्वल होगा। अब इतनी कैलकुलेशन करने के बजाय देखिए एग्जाम में बहुत जल्दी कर सकते हैं, हमें कैंसिल आउट इस तरीके से कर लेना है जो सब में कैंसिल हो रहा है, ऐसा नहीं कि दो में कैंसिल करा तीसरे को माफ़ कर दिया। तो यहाँ ईजिली 16 से कैंसिल हो रहा है, 16 6 जा 16 4 जा 16 3 जा, बहुत ईजिली कैंसिल आउट हो गया, ठीक है 16 से कैंसिल हो गया। अब 3 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 120 इक्वल टू, ये हो गया 4x। हालांकि 2 से भी कैंसिल हो सकता था इजीली, लेकिन हम ऐसे ही कर लेते हैं, और ये 3 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और ये 4x इक्वल टू 120 से 100 इधर माइनस में चला गया 20, और x इक्वल टू आ गया हमारे पास 5, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन। तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सीधे आपको ये लिखना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए टाइम एंड वर्क के, तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, 4 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एज का रेशियो 4 साल पहले 9:11 है, ठीक है 6 years hence 4 साल बाद। अब देखिए दो लोगों की एज का रेशियो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन कर लेंगे। दो लोगों की एज, आपका और आपके भाई का एज का डिफरेंस मान लिया प्रेजेंट में है 3 साल, मतलब अभी आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है, तो आज से 15 साल के बाद आपका भाई आपसे कितना बड़ा होगा, 3 ही साल बड़ा रहेगा, क्योंकि आपकी एज बढ़ेगी तो भाई की भी एज बढ़ेगी, तो कॉमन सेंस है ये। तो या आज से 10 साल पहले आपके और आपके भाई की एज का डिफरेंस क्या होगा, तो 3 ही साल डिफरेंस रहेगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट का एज का डिफरेंस ए और बी का, और पास्ट का एज का डिफरेंस या फ्यूचर का एज का डिफरेंस तो हमेशा सेम ही होने वाला है। तो इसमें इस लॉजिक से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, देखिए कैसे। 4 साल पहले ए और बी की एज का डिफरेंस 9 और 11, तो डिफरेंस हमें दिख रहा है यहाँ पर 2, और 6 साल के बाद उनके एज का रेशियो हो गया 7 और 8। अच्छा रेशियो का मतलब आपको समझना है कि एक्चुअल एज पता नहीं क्या रही होगी, उनको कैंसिल आउट करा होगा जब तक वो कैंसिल आउट होते हैं, जब नंबर कैंसिल आउट होना बंद हो जाते हैं तो रिमेनिंग नंबर क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, और एजेस के क्वेश्चन तो बहुत जल्दी जल्दी 10-15 सेकेंड के अंदर ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी एज कुछ रही होगी, कैंसिल आउट करके 9 और 11 आया, ऐसे ही ये कैंसिल आउट करके 7 और 8 आया, पता नहीं क्या इनकी एज रही होगी। लेकिन एक बात है, हमें डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर 2, और यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 1, जबकि अभी हमने डिस्कस करा आप और आपके भाई का एज का डिफरेंस अगर 3 साल है अभी प्रेजेंट में, तो आज से 15 साल बाद भी 3 साल ही होगा, क्योंकि आपकी एज बढ़ेगी भाई की भी एज बढ़ेगी, कॉमन सेंस। तो ए और बी की एज का डिफरेंस पहले बाद में अभी प्रेजेंट में हमेशा सेम होगा। यहाँ 2 दिख रहा है यहाँ 1, तो पहले तो डिफरेंस हमें क्वेश्चन में ही देख लेना है कि अच्छा यहाँ 2 का डिफरेंस है यहाँ 1, तो हमें डिफरेंस को सेम बनाना है। अब इसको आधा करने के बजाय इसको 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिफरेंस 1 का 2 हो जाएगा अगर 2 की मल्टीप्लाई करें, तो इस 7:8 को हम ऐसा लिखेंगे 14 और 16, 2 की मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये इसका मतलब 7:8 ही होता है। तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से देखना है, देखिए यहाँ भी 2 हो गया डिफरेंस, यहाँ भी 7 और 8 को 14 और 16 लिख लिया 2 की मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बात एक ही है 7:80 है, उससे फायदा है क्या हुआ कि ए और बी की एज का डिफरेंस सेम हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको ये समझना है 4 साल पहले, अगर मैं बोलूँ ये 2020 चल रहा है तो 4 साल पहले मतलब 2016, और 6 साल बाद मतलब 2026, ये मतलब होता है, एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ से यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ पर डिफरेंस हुआ 10 साल का, और ये कितने यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ पर 11 से 16 5 यूनिट, 9 से 14 दोनों तरफ देखें 5 यूनिट, 5 यूनिट का डिफरेंस है, 5 यूनिट नंबर में। केवल ए को देखें तो 9 to 14 5 यूनिट बढ़ गया, केवल बी को देखें 11 से 16 ये भी 5 यूनिट बढ़ गया, तो 5 यूनिट का इंक्रीज है। अब वो 5 यूनिट किसके बराबर है, क्योंकि 4 साल पहले से 6 साल बाद तक 10 साल का डिफरेंस है, ये मेंटली हो जाएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ कि 5 यूनिट 10 इयर्स, केवल देख के आइडिया हो जाता है बिना पेन चलाए, ठीक है, कि 2 की मल्टीप्लाई करें 14 और 16 तो 9 से 14 व 5 यूनिट, और ये 4 साल पहले 6 साल बाद, तो 5 यूनिट 10 साल के बराबर, तो 1 यूनिट 2 साल के बराबर, तो 1 यूनिट 2 साल के बराबर, तो इन सब में पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, क्योंकि 1 यूनिट 2 साल के बराबर है, 5 यूनिट 10 साल के बराबर, तो इसका मतलब ए की एज प्रेजेंट में 2 की मल्टीप्लाई करके ये हो गया 18 और ये 22, और ये अब हो गई 28 और 32,
ये इनकी एज हो गई। उसके अलावा क्योंकि हमें पूछा गया है प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंटेज पूछी है, तो बी की प्रेजेंटेज क्या होगी, क्योंकि ये तो चार साल पहले की एज है, तो प्रेजेंटेज बी की होगी प्लस फोर कर देंगे ना, तो 26 ईयर्स होगी बी की प्रेजेंटेज, तो 26 ईयर्स। ठीक है, ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। और एक और तरीका इसको सॉल्व करने का है, एग्जाम में बहुत फास्ट आंसर निकाला जा सकता है अगर आप ऑप्शंस को यूज करें एलिमिनेशन प्रोसेस। देखिए बी को देखिए, बी की प्रेजेंटेज निकालनी है, तो चार साल पहले बी की एज 11 की टेबल में, चार साल पहले आपको ये समझना है, चार साल पहले केवल बी को देखना है, चार साल पहले बी की एज 11 के टेबल में जाने वाला नंबर, तभी तो कैंसिल करके 11 आएगा, और छः साल के बाद बी की एज 8 के टेबल में जाने वाला नंबर। तो हमें ऑप्शन में ऐसा नंबर देखना है कि जिससे चार करने माइनस करने पर 11 के टेबल में जाने वाला नंबर बनता हो, तो इसमें चार माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, ये नहीं जाता 11 के टेबल में। ठीक है, क्योंकि चार साल पहले 11 की टेबल में जाने वाला नंबर थी 11 का मल्टीपल, ये भी चार साल माइनस करें 20 11 के टेबल में नहीं जाता, ये जाता है, इस पर चार साल माइनस करें ये 33 हो रहा है 11 के टेबल में जाता है, लेकिन प्लस 6 करके 8 के टेबल में भी जाना चाहिए, प्लस 6 करके 43 हो रहा है 8 के टेबल में नहीं जाता, ये भी कट हो गया। ऐसे ही इसमें चार साल माइनस करके 11 के टेबल में नहीं जाता, तो 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो गया। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया ना कि ए की एज 9 का मल्टीपल, बी की एज 11 का मल्टीपल चार साल पहले, और 6 साल बाद 7 और 8 का मल्टीपल, तो आप केवल ऑप्शंस को एलिमिनेट करके डायरेक्ट थर्ड आंसर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ये सारी ट्रिक्स आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है, तभी आप जल्दी कर पाएंगे स्पीड में। ट्रेडिशनल तरीके से तो क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ टू चेयर्स इज सेम, दो चेयर्स की कॉस्ट सेम है, डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस इज 90, दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस 90 है, एक चेयर में प्रॉफिट हो रहा है 12% का, दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है 18%। अब देखिए दो चेयर है मान लिया, ये भी दोनों का कॉस्ट प्राइस तो सेम है ना, सेम, जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो इसका, एक में 12% प्रॉफिट है और एक में 18% प्रॉफिट है, और एक का सेलिंग प्राइस 90 रुपीज़ ज़्यादा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे परसेंटेज के, तो आपको पता होना चाहिए जब परसेंटेज का बेस सेम होता है, क्योंकि इसका बेस भी यही है, मान लिया कि ये बेस एक्स हो गया और इस ये भी एक्स है, कॉस्ट प्राइस तो सेम बोला हुआ ना, दोनों परसेंटेज का बेस एक ही है क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम बोली हुई, तो जब परसेंटेज का बेस सेम हो तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका सेलिंग प्राइस जो है 6% ज़्यादा है, 6% ज़्यादा है, 12% 18% का डिफरेंस क्या हुआ 6%, यहाँ पर 100% क्या होगा कॉस्ट प्राइस 100%, ये अंडे क्योंकि बेस जो होता है हमेशा 100% होता है। तो जिसके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और हमने प्रॉफिट लॉस बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, शॉर्टकट्स वगैरह कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट्स वगैरह डिस्कस करें हैं अपने क्लासरूम में, ठीक है, पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिसमें पूरा डिटेल में हमने डिस्कस करा है, तो 6% ज़्यादा है और उस 6% की वैल्यू 90 रुपीज़ है। बिना पेन चलाए दिख जाएगा कि हमें दिखा कि अरे कॉस्ट प्राइस तो दोनों का सेम है, तो अब फिर ये जो प्रॉफिट है दोनों का बेस सेम नंबर है, तो परसेंटेज को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 6% ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस, 6% 90 के बराबर, तो 1% किसके बराबर 15 के बराबर, 15 रुपीज़ के, 6 से कैंसिल करें तो 100% किसके बराबर होगा 1500 के बराबर, और ये जो 100% होता है यही तो कॉस्ट प्राइस होता है, तो सेकेंड ऑप्शन आंसर है। तो 5-6 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स लंबे मेथड से करके टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, अब हमें दिया है सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये SBI PO में, देखिए जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस करे हैं वो सब देखिए SBI PO से रिलेटेड हैं। जैसे ये SBI PO में आया था 8 जून 2019, ये SBI PO प्रीलिम्स में 8 जून 2019, ये SBI PO के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब अगर कॉन्सेप्ट शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। अब हमारे पास ये दिया है सिलेंडर कोन, अब इसे हम सिलेंडर बोलते हैं और इसे हम कोन बोलते हैं, इसे हम हाइट बोलते हैं, इसे रेडियस बोलते हैं, ये रेडियस ये हाइट, ये रेडियस और ये हाइट, ठीक है। सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज 2190 पाई, हाइट ऑफ बोथ द सिलेंडर एंड कोन इज, हाइट ऑफ बोथ द सिलेंडर कोन इज 10 सेंटीमीटर, तो इसकी भी हाइट 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी हाइट 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन इज 15, कोन का रेडियस 15 है, और हमें निकालना है रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर टू द रेडियस ऑफ कोन।
आर अपॉन 15 की वैल्यू निकालनी है, आर अपॉन 15। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अब हमें सम ऑफ वॉल्यूम, अब आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है 10 प्लस पाई आर स्क्वायर एच, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है 10, और ये कितना दिया है 2190 पाई। अब देखिए आपको बस कैलकुलेशन कम से कम करनी है, पाई पाई और पाई कैंसिल हो गया, और ये 10 10 10 जो भी कैंसिल करना है सब में कैंसिल करना है, यानी कि ये दो को कैंसिल करा तीसरे को माफ कर दिया, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया, अब ये आर स्क्वायर प्लस ये हो गया 225 को 3 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 75 219। आर स्क्वायर इक्वल टू 75, इधर माइनस में चला जाएगा 125 प्लस 19 144, आर की वैल्यू हो गई 12। तो देखिए कितना जल्दी हो गया, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत जल्दी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेंचुरेशन खराब होता है तो फॉर्मूले वगैरह याद नहीं होते या प्रैक्टिस की कमी होती है। मेंचुरेशन के क्वेश्चंस बहुत ईजीली कर सकते हैं, और हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा है अपनी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसमें, स्टडी मटेरियल शॉर्टकट्स वगैरह सब डिटेल में डिस्कस करा है। आर की वैल्यू 12 है, आर की वैल्यू 12 हो गई तो हमें 12/15 निकालना है। हमेशा ध्यान देना है पूछा क्या है, बहुत इजीली आंसर निकल जाते हैं। तो 4/5 तो हमारा आंसर हो गया 4/5, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। तो स्टूडेंट इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। लगातार हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्पीड बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं, स्पीड कैसे बिल्ड करनी है, आंसर कैसे जल्दी निकालना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स।